हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं पोएट्री सिलेक्शन। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 100% इंश्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोएट्री सिलेक्शन। और यानी पोएट्री सिलेक्शन में आपको हम पढ़ा रहे थे सोल्जर। अब इसमें यानी जैसा कि हमने पिछले क्लास में सोल्जर डिफाइन किया था, और सोल्जर में एक ऐसे टाइप क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने डिफाइन किया था। अब ये दूसरा टॉपिक उसमें आ रहा है, लाइफ ऑफ अ सोल्जर। दूसरा रहा है लाइफ ऑफ ए सोल्जर। तो अब इसे हम डिफाइन करने वाले हैं, लाइफ ऑफ ए सोल्जर, आखिर सेना का जीवन क्या होता है। अब इसके विषय में हम डिफाइन करने वाले हैं। अब शुरू से अंत तक आप देखने का प्रयास करें, और अगर शुरू से अंत तक अगर आप देखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइफ ऑफ ए सोल्जर। तो अब देखिए कि लाइफ ऑफ ए सोल्जर अब ये क्या है। अब देखिए, ए सोल्जर्स लाइफ, यहाँ पर ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, और आप इस डिफाइनिंग पोजीशन को आप बारीकी से देखें, बारीकी से समझें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ए सोल्जर्स लाइफ। क्या है सोल्जर का जीवन? क्या है सोल्जर का इसमें सोल्जर का जीवन? अब ये सोल्जर का जीवन क्या होता है? इज फुल ऑफ हार्डशिप। सोल्जर का जीवन जो है वो काफी कठिन जीवन होता है, हार्डशिप। सोल्जर का जीवन वास्तव में ये काफी कठिन जीवन होता है। दे हैव फेस चिलिंग कोल्ड, और उन्हें चिल कोल्ड से भी जूझना पड़ता है। यानी ऐसा ठंडक जिस ठंडक से खून भी जम जाए, जिस ठंडक से खून भी जम जाए, ब्लड भी जम जाए, वैसे ठंडक से भी उन्हें गुजरना पड़ता है, उसको उसका भी फेस करना पड़ता है। फिर क्या है स्कॉर्चिंग हॉट, वो जो चिलचिलाती धूप है, स्कॉर्चिंग हॉट, और ये जो चिलचिलाती धूप है, ये जो जबरदस्त उमस का गर्मी है, उसका भी जूझना उससे भी जूझना पड़ता है। और हैवी रेन, हैवी रेन क्या होता है? ये जबरदस्त बारिश, और जबरदस्त बारिश से भी जूझना पड़ता है। कहते व्हेन वी आर एंजॉयिंग एट होम, जबकि हम लोग घर पर आनंद ले रहे हैं, जबकि हम लोग घर पर आनंद ले रहे होते हैं, फिर कहते हैं दे आर बिजी इन प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर। लेकिन इस पोजीशन में भी वो बॉर्डर पर अपना सुरक्षा देने में बिल्कुल व्यस्त रहते हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा देने में बिल्कुल वह व्यस्त रहते हैं। हम आराम करने में व्यस्त रहते हैं, हम अपना लग्जरी लाइफ स्पेंड करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो हमारे जो सोल्जर हैं, यह वास्तव में उस बॉर्डर का सुरक्षा देने में वो अपना व्यस्त रहते हैं। फिर कहते हैं दे आर अवे फ्रॉम देयर हाउसेस, वे अपने घरों से काफी दूर होते हैं। दे आर अवे, वे दूर होते हैं, फ्रॉम देयर हाउसेस, अपने घरों से दूर होते हैं, सो दैट, ताकि वी मे लिव हैप्पीली, ताकि हम लोग खुशी से रह सके, खुशी से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इनसाइड आवर हाउसेस, हम अपने घर में खुशी से रह सकें, अच्छे से रह सकें, सुरक्षित तरीका से रह सकें, ये हम तभी सोच रहे हैं जब हमारे देश के सेना बॉर्डर पर अपने गन के साथ तैनात रहते हैं। तो कम से कम ऐसे सेना के लिए बिल्कुल एक सैल्यूट बनता है कि सारे व्यक्ति को उसका आभार मानना चाहिए। अगर वो सेना अगर इस प्रकार से तैयार नहीं रहते हैं तो फिर हम लोगों को अपने घर में रहना दुश्वार हो सकता है। फिर यहाँ पर कहते हैं देयर लाइफ इज वेरी टफ,
उन लोगों का जो जीवन होता है बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है। फिर कहते हैं समटाइम्स, कभी कभी दे आर पोस्टेड इन हाईलैंड, कभी कभी तो उन्हें यानी ऊंचे पहाड़ी पर भी पोस्ट कर दिए जाते हैं, उन्हें वहीं पर रख दिए जाते हैं। लेकिन फिर कहते हैं समटाइम्स और कभी कभी इन ए डिजर्टेड एरिया, कभी कभी उन लोगों को रेगिस्तान में रख दिया जाता है जहां पर सिर्फ बालू ही बालू होता है। डिजर्टेड, डिजर्टेड क्या होता है, रेगिस्तान जहां पर सिर्फ बालू ही बालू होता है, तो डिजर्टेड एरिया में रख दिया जाता है। फिर कहते हैं सिविलियंस एंजॉय फेस्टिवल, जितने सारे हमारे देश के नागरिक हैं वो क्या कहते हैं अपना फेस्टिवल का आनंद लेते हैं। फेस्टिवल क्या होता है, त्योहार, कहते त्योहार का आनंद लेते हैं। बट सोल्जर्स आर एट बॉर्डर, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमारे सिविलियंस लोग इस फेस्टिवल का इंजॉय करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर सेना को देखा जाए तो सेना वास्तव में उस बॉर्डर पर डटे रहते हैं, उस बॉर्डर पर हमारे देश के सैनिक डटे रहते हैं। फिर कहते हैं दे हैव टू लीड ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, और अगर देखा जाए तो वे भी बिल्कुल ये काफ़ी अनुशासित जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़ता है, उन्हें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दे सेक्रीफाइस, वे अपने आप को बलिदान दे देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, अपने कहते हैं अपने देश के खातिर, फॉर द सेक ऑफ यानी के लिए, फॉर द सेक ऑफ मीन्स क्या होता है, के लिए, और यहाँ पर है कंट्री, कंट्री मीन्स देश, इस देश के खातिर अपने देश के लिए वह सब कुछ का बलिदान दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर दिया ईच एंड एवरीथिंग का मतलब हुआ सब कुछ, यानी प्रत्येक चीज को वह बलिदान दे देते हैं। और इसके बाद कहते हैं दे आर पेट्रियोटिक, और उन लोगों की जो देशभक्ति है, फीलिंग्स, उन लोगों की जो देशभक्ति की भावनाएं हैं आर फॉर एक्सेलेंस, बिल्कुल उचित होता है, बिल्कुल उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट बहुत उच्च कोटि का रहता है, बहुत अच्छा होता है। और क्या दैट इज व्हाई, इसलिए दे आर रिस्पेक्टेड, इसलिए उन लोगों का आदर किया जाता है, इसलिए उन लोगों का आदर किया जाता है। एवरीवेयर, हर जगह उन लोगों का आदर किया जाता है। रियली, रियली मीन्स क्या होता है, वास्तव में, दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जाता है ये जो हमारे देश की सेना है वास्तव में इस देश का रीढ़ होता है, देश का सेना देश का रीढ़ होता है। अगर ये रीढ़ टूट जाए, अगर ये रीढ़ फ्रैक्चर हो जाए तो हमारी सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम आगे दूसरा टॉपिक देते हैं, वार विडोज, क्या देते हैं, वार विडोज। अब इस वार विडोज को हम डिफाइन करते हैं, वार मीन्स क्या होता है, युद्ध, विडोज, विडोज होता है जिसको कहते हैं विधवा, वार विडोज। अब यहां से स्टार्ट होता है वार विडोज का, वार हैज नेवर बिन ए सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो युद्ध होती है, वार जो होती है वास्तव में हैज नेवर बिन अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। युद्ध जो होता है वह किसी समस्या का हल नहीं होता है, इट ऑलवेज एंड्स इन डिस्ट्रक्शन, और ये हमेशा विध्वंसक होती है, ये हमेशा क्या होती है, विध्वंसक होती है। इसलिए कहता है इट ऑलवेज एंड्स इन डिस्ट्रक्शन, और इस बर्बादी में सब कुछ खत्म हो जाता है। रिसेंट वार्स, और हाल ही का जो वार्स है ऑफ इराक एंड कारगिल, इराक और कारगिल का जो वॉर है, और इट्स एग्जाम्पल, इसके ज्वलंत उदाहरण है इराक और कारगिल का जो युद्ध है, ये बिल्कुल एक उदाहरण स्वरूप है। सोल्जर्स आर किल्ड, जहां पर सारे सैनिक मारे गए,
they leave behind their family, they leave behind their family only heart sick. और अपने परिवार के सामने, परिवार के पीछे उन्हें कौन सा चीज छोड़ा है? मनली हार्ट सिक, सिर्फ उसके सामने कठिनाई ही तो बचा है, जबकि उसे कोई अगर देखने वाला नहीं है तो सिर्फ उसके सामने कठिनाई ही बचा है। आफ्टर देयर डेथ उनके मरने के बाद, देयर वाइफ्स, उन सारे के जितने सारे वाइफ्स हैं, जितनी सारी पत्नियां हैं, बिकम अ मिजरेबल लॉट, वे अपना दयनीय जीवन व्यतीत करते हैं, और उन लोगों की जो अस्थि है इतनी नाजुक हो जाती है, फिर इसे कोई कहने की बात ही नहीं है। फिर कहते हैं गवर्नमेंट अनाउंसेस, इसमें सरकार क्या करती है? तो अनाउंसेस, घोषणा करती है, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों की घोषणा करती है, बट इन प्रैक्टिकल इट इज नॉट। लेकिन अगर ये प्रायोगिक तौर पर देखा जाए, अगर इसे यूज में देखा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा वह घोषणा कर देते हैं, जैसा वह अनाउंसमेंट कर देते हैं, वैसे वो जमीन पर खरा उतर नहीं पाते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की स्थिति ये है, लेकिन उस घरवाले की स्थिति ये है कि वो एक दाने के लिए मोहताज हो जाता है, जबकि उस परिवार का सपोर्ट एक सोल्जर ही होता है, एक उसका बेटा ही होता है जो सोल्जर है, जो अपने सरहद पे लड़ रहा है। लेकिन उसके मरने के बाद सारे देश की जनता तो दुहाई देते हैं, लेकिन दुहाई के साथ साथ उन्हें तो इकोनॉमिक स्थिति को सुदृढ़ करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो उस जिम्मेदारी के लिए सरकार तो बहुत सारे घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन जब बिल्कुल अपने प्लॉट की बात होती, एक बुनियादी ढांचे की बात होती, तो वहां से टाइट फिस कर जाता है, वहां पर जमीन तक कुछ सही तरीका से पहुंच नहीं पाता है। ये गवर्नमेंट की स्थिति है। देयर लाइफ इज वेरी पैथेटिक, उसका जीवन जो है कि काफी कठिन बन जाता है। रिसेंट रिपोर्ट ऑफ बीबीसी का जो हाल ही का रिपोर्ट है ऑन कारगिल्स वॉर, कारगिल के वॉर में जो बीबीसी का हाल ही का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में दिखाया गया है वॉर विडोज इज इट्स अ फाइन एग्जांपल। वॉर में जितने सारे सोल्जर शहीद हुए और उनकी जो पत्नियां हुई वो तो सारे विधवे हो गए, सारे विधवा हो गए, इज इट्स फाइन एग्जांपल, उसका पुनरोपण उदाहरण है। The government should launch many welfare plans for them. अब जो है सरकार उन लोगों के लिए बहुत सारे कल्याण की योजना को यानी आरंभ करना चाहिए, but so far it has not happened. लेकिन यहाँ तक अगर देखा जाए तो करना तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सेम, या तो शर्मिंदगी की बात है। सेम मीन्स क्या होता है? शर्मिंदगी, या तो सिर्फ शर्मिंदगी की बात है। गवर्नमेंट जस्ट टॉक्स बम्बास्टिकली अबाउट देम, बट इन प्रैक्टिकल देयर लाइफ इज ए माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए, अगर सरकार की बात हो तो सरकार तो लंबी लंबी बात कर देते हैं, बड़ी बड़ी घोषणा कर देते हैं कि हम इसके लिए ये करेंगे, तो हम उसके लिए वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि उनकी जीवन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मानो कि उसके सामने एक समस्या का पहाड़ खड़ा रहता है, जिसे पार करना उन लोगों के लिए मुश्किल सा हो जाता है। इट मस्ट बी केयर्ड, इसका देखभाल अवश्य होना चाहिए। अगर इसका देखभाल नहीं होता है तो फिर ये
करने की कोई बात ही नहीं है। तो जो जो सोल्जर अपने जान की आहुति देकर देश के एकता और अखंडता को बचाने के लिए इतना आगे या इतना अग्रसर हो जाता है, तो हमारे सारे जनता को भी और हमारे सरकार को भी आगे बढ़कर और उनके सारे कठिनाई को निश्चित तौर पर दूर करना चाहिए। अगर ऐसी कठिनाई अगर उसकी दूर हो जाती है, तो फिर उनकी जितनी सारी समस्याएं हैं वो हल हो सकता है, अपना एक कंसोलेशन के तौर तरीका से, एक सांत्वना के तौर तरीका से। हालांकि जितने सारे विधवा हैं, उस विधवा की स्थिति उस घर में क्या होगी, इसको कोई जो है एक शब्द में बखान नहीं कर सकता, क्योंकि तो उसके ऊपर तो दुख का पहाड़ सा टूट पड़ता है। तो कम से कम अगर अपने इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से अगर थोड़ा सा सुदृढ़ कर दिया जाता है, उन्हें थोड़ा सा मजबूत कर दिया जाता है, तो उसे भी लगेगा कि अगर हमारे हस्बैंड इस देश के लिए अगर मर मिटा है, तो हमें भी ये चीज दिख रहा है कि सरकार कितना ज्यादा हमारे ऊपर केयर कर रहे हैं, क्योंकि तो उसके सामने तो अब कुछ नहीं बचता सिवाय उनकी जो है अपना पत्नी बचती है, वो जो विधवा है विधवा बचती है, या एकाध बच्चे हैं वो भी बचते हैं, लेकिन उसका देख रेख कैसे होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ घोषणा से नहीं, बिल्कुल उसका अपना प्रैक्टिकली होना चाहिए कि ये सारे परिवार का देख रेख करे, जो उनका हक बनता है, जो उसका अधिकार बनता है, उन्हें मिलना चाहिए। सिर्फ ये अनाउंसमेंट से नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ उन्हें मिलना चाहिए। ये टॉपिक था वार विडोज। वार मीन्स युद्ध, विडोज वार के दौरान जो शहीद होता है, वार के दौरान युद्ध के दौरान जो शहीद होता है, तो उसमें भी बहुत सारी विधवाएं हो जाती है, बहुत सारी विधवाएं हो जाती है, क्योंकि तो हस्बैंड अगर खत्म हो गए तो फिर वो तो स्त्री ही बचता है जो विधवा स्वरूप हो जाता है, और उसके सामने भी ये सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ पर है लुक अप अ डिक्शनरी। अब जो है डिक्शनरी को देखें एंड राइट टू मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कहता है लुक अप अ डिक्शनरी एंड राइट टू मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द वन इन विच इट इज यूज्ड इन द लेसन एंड द अदर विच इज मोर कॉमन। अब यहाँ पर देखें, कहता है डिक्शनरी को देखें, डिक्शनरी को उल्टाओ और कहते हैं राइट टू मीनिंग का दो अर्थ लिखो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ को लिखें, द वन इन विच जिसमें एक, जिसमें जिसमें एक इट इज यूज्ड इन द लेशन जो एक लेशन में यूज हुआ है, एंड द अदर विच इज अ मोर कॉमन जो दूसरे के लिए कॉमन है, एंड द अदर विच इज अ मोर कॉमन जो दूसरे के लिए या कॉमन होता है। अब यहां पर देखिए, अब इसमें किस प्रकार का वर्ड दिया गया है, अब इसे देखें अर्थ, ये क्या है इसमें दिया अर्थ, तो ये देखिए अर्थ अर्थ है, तो अर्थ का एक वर्ड जो लेसन से है क्या है, ग्राउंड है। अब ये पोएम के अनुसार अर्थ का क्या हुआ, ग्राउंड है, और इसके बाद इसका कॉमन वर्ड वर्ड अर्थ और द प्लेनेट है। एक वर्ड यहां पर देखिए डस्ट, डस्ट मीन्स क्या होता है, धूल। स्वैल मीन्स क्या होता है, मिट्टी। डस्ट मीन्स धूल, स्वैल मीन्स मिट्टी, अब है फाइन पार्टिकल ऑफ मैटर, और ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनिंग है, ये एक्सप्लेनिंग है फाइन पार्टिकल ऑफ मैटर, और किसी भी पदार्थ का एक या छोटा सा कण है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर यानी पदार्थ का जो छोटे छोटे कण का जो संयुक्त तो रूप है उसको कहते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पर बोर, बोर मीन्स क्या होता है, जन्म लिया, गैब बर्थ, गैब बर्थ जन्म दिया, इंड्योर्ड बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। फिर अवेयर, अवेयर मीन्स क्या होता है, नॉलेज,
अवेयर मीन्स जानकारी, फिर यही है इनफॉर्मल बिल्कुल सेम मीनिंग, इसके बाद है कॉन्सियस चेतना, फिर देखिए इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है अंग्रेजी, फिर देखिए ब्रिटिश, ब्रिटिश इसलिए है कि ब्रिटिश में अंग्रेजी बोला जाता है तो ब्रिटिश, फिर अगला देखिए इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा, इसके बाद देखिए पल्स, पल्स क्या होता है जो वाइब्रेट करता है, जो अपना रेट दिखाता है ऊपर नीचे करता है ना, यानी हमें लगता है कि ये यानी नर्व जो होता है नस, नस का जो वाइब्रेशन होता है उसी को पल्स कहते हैं, यही पल्स है तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं, एक काइंड ऑफ एडेबल सिट्स, बिल्कुल इससे मिलता जुलता वर्ड है। अब बॉडी है, बॉडी मीन्स क्या होता है शरीर, और शरीर किसका होता है तो पुपिल लोगों का शरीर होता है, पार्ट, पार्ट एक भाग होता है, बिल्कुल ये पैरेलल वर्ड है। इसके बाद है इटर्नल, इटर्नल क्या होता है शाश्वत होता है, लास्टिंग फॉरएवर जो हमेशा के लिए रहता है शाश्वत, और इसके बाद है सीजलेस, सीजलेस होता है बिना रुकावट का कंटिन्यू, और इसीलिए है यह लगातार चलता रहता है। तो इस टाइप का आप देखें, लुक अप ए डिक्शनरी एंड राइट टू मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका दो दो मीनिंग है, प्रत्येक का दो दो मीनिंग दिया गया है, और कहते हैं द वन इन विच इट इज यूज्ड इन लेशन, और एक जो है जिसमें लेशन का यूज हुआ है, और कहते हैं एंड द अदर विच इज द मोर कॉमन, और दूसरा जो है सबके लिए कॉमन है। तो इस प्रकार का अगर शुरू से अंत तक अगर आप देखने का प्रयास करेंगे इसमें भी आपको निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ से फिर यहाँ से देखते हैं राइट एडजेक्टिव शोइंग नेशनलिटी अगेंस्ट द नेम ऑफ द कंट्रीज। राइट एडजेक्टिव कहता है एडजेक्टिव को लिखो, राइट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को लिखो शोइंग, अब ये शोइंग क्या होता है, अब ये शोइंग होता है दिखाना, नेशनलिटी राष्ट्रीयता, अगेंस्ट द नेम ऑफ द कंट्रीज देशों के नाम के विरुद्ध जो अपनी राष्ट्रीयता है उसे दिखाने के लिए कुछ एडजेक्टिव का यूज हुआ है, कहता उस एडजेक्टिव को लिखो। अब यहाँ पर देखिए वो कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा राष्ट्रीयता है, अब देखिए न्यूजीलैंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है न्यूजीलैंड, अब यहाँ पर न्यूजीलैंड है, अब यह न्यूजीलैंड का मतलब क्या, न्यूजीलैंड क्या होता है, या देशों का नाम है न्यूजीलैंड, अब यह न्यूजीलैंडियन, न्यूजीलैंडियन क्या हुआ नेशनलिटी हुआ, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मतलब न्यूजीलैंड के बसिंदा, न्यूजीलैंड के बसिंदा, उसमें जितने सारे सिविलियन हैं जितने सारे नागरिक हैं उसके लिए कहते हैं न्यूजीलैंडियन। जैसे देखा अमेरिकन, अमेरिकन जो देश का नाम है, अमेरिकन देशवासियों यानी अमेरिकी है, जो अमेरिका में बसने वाले लोग हैं, जो अमेरिका के बसिंदा है उसको कहते हैं अमेरिकन। फिर देखिए अगला इराक, इराक देश का नाम है, फिर इराकी, इराक में बसने वाले, जापान, जापान एक देश का नाम है, जापानीज, जापान में बसने वाले को जापानीज कहते हैं, कोरिया, कोरिया देश का नाम है, फिर है कोरियन देश के बसिंदा, कोरिया देश के बसिंदा को कोरियन कहते हैं, नेपाल, नेपाल को क्या कहते हैं, नेपाली कहते हैं, नेपाल को क्या कहते हैं, नेपाली, अब है चाइना, चाइना को क्या कहते हैं, चाइना देश का नाम है, चाइना मतलब इधर जो आप देख रहे हैं सब ये बाएं तरफ यानी पाकिस्तान के नीचे, या ऊपर में देख लें पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्या हो जाता पाकिस्तानी, पाकिस्तान तो देश का नाम है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के बसिंदा, चाइना तो चाइना देश का नाम है चाइनीज, चाइना के बसिंदा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश का नाम है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया के बसिंदा। ये जितने सारे देश हैं बाएं तरफ जितने सारे देश हैं उनका नाम है, और दाएं तरफ जो उस देश में बसने वाले सिविलियन है, बसने वाले लोग हैं उसका नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ तक इसको इसको हमने पूरा किया। अब इसके बाद है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, अब कुछ शब्द है जिसका एंटोनिम्स आपको जानना है। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, क्या होता है एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है, एंटोनिम्स का अर्थ क्या होता है उल्टा, अब इसमें आपको उल्टा वर्ड को देखना है, उल्टा वर्ड इसका क्या होगा, एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है उल्टा, यहां देखिए अब कौन सा उल्टा वर्ड है,
अब यहां पर देखिए डाई, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। अब डाई का क्या होता है, मरना का क्या होगा, बॉर्न होगा, डाई बियर। मरना का क्या होता है, जीना, जन्म लेना, मरना का जन्म लेना, मरना का जन्म लेना। अब ये है फॉरेन, फॉरेन का क्या हो जाएगा, फॉरेन मीन्स विदेश, फॉरेन मीन्स विदेश। फॉरेन मीन्स क्या होता है, विदेश। इसको कहते हैं इंडिजेनस, फॉरेन मीन्स विदेश, और इसको कहते हैं इंडिजेनस, इसको कहते हैं इंडिजेनस। पीस, पीस का क्या हो जाएगा, पीस का क्या हो जाएगा, नॉइस, पीस का क्या हो जाएगा, नॉइस। रोम का, रोम मीन्स होता है भटकना, रोम मीन्स होता है भटकना, यानी इधर उधर, इधर उधर भटकने के लिए रोम का यूज होता है। तो रोम का, रोम का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, लक्ष्य, हेवन, स्वर्ग, हेल, एच ई डबल एल, हेल, हेल मीन्स होता नरक, इविल बुराई, इविल मीन्स बुराई। गुड अच्छाई, अवेयर जानकारी, अवेयर मीन्स क्या होता है, जानकारी। जो कहते हैं इग्नोरेंस, अनभिज्ञ, इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, अनभिज्ञ। अब इसके बाद है इटर्नल, इटर्नल का क्या होता है, शाश्वत, और इसका होता है टेम्पररी, इसका क्या होता है, टेम्पररी मतलब अल्पकालिक, ये होता है इटर्नल शाश्वत, और इसके बाद होता है टेम्पररी। इसमें राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्द का एंटोनिम लिखना है। तो इसमें क्या होता है, उल्टा शब्द, उल्टा शब्द आपको लिखना है। जेंटिलनेस, ये फॉरेन का, फॉरेन का होता है इंडिजेनस, इंडिजेनस, और जेंटिलनेस का क्या होता है, भद्रता, भद्रता। यहाँ पर है कॉन्सील्ड, छुपा हुआ, और इसको कहते हैं एक्सपोज, छुपा हुआ का क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, कॉन्सील्ड को कहते हैं एक्सपोज्ड, क्या कहते हैं, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। अब इसके बाद है जेंटिलनेस, जेंटिलनेस मीन्स क्या होता है, भद्रता, और इसका हो जाएगा विक्ट, जेंटिलनेस का विक्टनेस, जेंटिलनेस का विग्डनेस। तो इस प्रकार से आप इस सारे वर्ड को आपने देख लिया, और इसे आप शुरू से अंत तक अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इसके बाद हम चलते हैं
अब अगले क्लास में फिर अगले चैप्टर के साथ आपके सामने फिर कल हाजिर होने वाले हैं। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।